आप आबार देखियो ऊंट उत्सव और बीकानेर की एक छवि नजर आई, ऊंट पर कलाकृति नजर आई और साथ में कबड्डी भी नजर आई। था ना कबड्डी को बहुत शौक। बहुत बढ़िया। आप तो कबड्डी, आपने इंटरनेशनल गेम हो गयो और जी इंडिया वर्ल्ड चैंपियन है हाँ कबड्डी सर को, और वो एक इशो गेम है जका में कोई इक्विपमेंट की जरूरत को नहीं। थे 7 और 7 14 लोग चाहिए और आराम इकट्ठे भी खेलो। अपनी धरती तो देश की बाड़ू की धरती है, कोई रिस्क भी को नहीं, सही घास का बात है। मैदान की भी जरूरत को नहीं, और आराम खेलो। एटलीस्ट फिजिकल फिटनेस और रेस्टलिंग और प्राणायाम को कॉम्बिनेशन है तो बढ़िया चीज़ है। कबड्डी का गेम ने इनकरेज करना चाहिए। कितनी चौकी बात है, खेल कूद के साथ में शिक्षा और शिक्षा को थे प्रचार प्रसार। तो पहली मन में रियो शुरू कि भाई मैं सुरेंद्र सुराणा, मैं शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा योगदान करूँगा, कुछ पहली हूँ हो ध्यान। ने बचपन में जिया मैंने याद आवे हमारे ज़्यादा साइंस में रुचि है जी और मैं सोचता हूँ कि मैं साइंटिस्ट बन सकूँ। सीवी रमन और ये सब की किताबें सब पढ़ता, नोबेल पढ़ता प्राइज़ मिला तो ये सब जी हुआ, तुम लाग तो कि मैं भी नोबेल प्राइज़ ले सियाँ। हालांकि इट इज़ सच ए डिफिकल्ट थिंग। तो साइंटिस्ट बनना की बहुत इच्छा ही, लेकिन डेस्टिनी जिया ले जावे बाब एक अलग ही चीज़ है। तब तक तो कंप्यूटर के बारे में भी इतना तो ज़्यादा नॉलेज भी जमाना में हो को को नहीं, नहीं हो लेकिन धीरे 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 जब मैं बिट्स पिलानी में गयो तो फर्स्ट कंप्यूटर देखियो मैंने। वो कंप्यूटर भी कार्ड पंचिंग सिस्टम होता जो आजकल तो जिया देखो टैबलेट पीसी तक आ गया। जी वो जी टैबलेट पीसी आज को है जो भी कंप्यूटर हूँ 1000 गुणों ज़्यादा पावरफुल है। देखो इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या क्या प्रगति हुई। प्रगति हुई है। तो भी कंप्यूटर के लिए लाइन लागती कि भाई थे था का कार्ड पंच कर प्रोग्राम बना भी मैं दे दियो तो अगला दिन था ना आउटपुट मिल सी बीरो बीरो अच्छा प्रिंट आउट मिल सी। और जी वाह ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि बिट्स पिलानी में कंप्यूटर है। लोग ऐसे बात करते थे अरे वहाँ जाओ वहाँ कंप्यूटर। पूरा इंडिया का मुश्किल हूँ 4 5 कॉलेज में कंप्यूटर आ जका में बिट्स पिलानी भी एक हो, वो भी IBM भी ना शायद डोनेट करियो या करियो तो बट एक एक्सपोजर मिलियो कि कंप्यूटर एक अच्छी चीज़ है और भविष्य शायद बी साइड में जा रही है। तो जब मैं फिर अमेरिका गयो तो मैं फिर कंप्यूटर साइंस ही सब्जेक्ट लियो और कंप्यूटर साइंस का मैंने नॉर्थ डकोटा स्टेट यूनिवर्सिटी है कनाडा का पास हाँ अमेरिका में, जी नॉर्थ डकोटा बर्फ और बर्फ रेव है। अभी नॉर्थ डकोटा बहुत न्यूज़ का अंदर है बट है साउ ज़्यादा वर्ल्ड को पेट्रोलियम और गैस निकलियो है। लेकिन अच्छा जब मेलो गया बट है तब वो भी एक इंटरेस्टिंग किस्सो है कि बर्फ तो देखी को नहीं कभी यहाँ। आज भी जी कश्मीर में भी हुआ है तो भाई इतनी सी बर्फ हुआ है। हाँ तो मेलो जी है नॉर्थ डकोटा पुग गया तो बिरा बाद में मॉर्निंग का मैंने जी ही उठा तो मारो जो अपार्टमेंट हो वो हाफ बेसमेंट हो और हाफ अच्छा ऊंचो हो, मतलब आधी खिड़की भी रहा ऊपर ही। हाँ तो मॉर्निंग में देखो क्या खिड़की की ग्लास तो पूरी वाइट है, बाहर कुछ दिख ही को नहीं दिखे रहे। को नहीं जी, तो बाहर निकलिया तो देखो कि कम से कम नहीं तो 2 2 फुट बर्फ, जमगी नहीं बर्फ बाजगी अच्छा सॉफ्ट बर्फ सॉफ्ट हुआ वाली। वो। तो वाह एक बहुत ही जबरदस्त नज़ारो जिंदगी में पहली बार, और यहाँ बर्फ गिर रही है तो मैं लोग खूब कूदे अभी मैं भाग्या दौड़िया बर्फ ने देखी। तो नॉर्थ डकोटा के -40 डिग्री टेम्परेचर तक चले जावे। तो नॉर्थ डकोटा स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करी, बिर बाद में फिर जॉब करी बठे अटलांटा एक जगह जैसे ओलंपिक अटलांटा हुई हो जी जी तो अटलांटा में जॉब कर फिर ग्रीन कार्ड मिल गो आपने मिल गयो। तो वो ग्रीन कार्ड के बाद बठे थोड़ी फिर बिजनेस स्टार्ट कर दियो बठे फिर बठूँ लौट रहा मारे 94 में मारे क्योंकि ऑलरेडी क्योंकि अपब्रिंग भाई मैं बात क्योंकि बचपन में जबकि चीज़ अपब्रिंगिंग हो जावे ना कि बचपन एकदम देसी स्टाइल में देसी हो स्टाइल तो मैंने बैठा कि हारी सारी दुनिया आल दो मैं बैठा स्कूल लाइफ भी देखी है जी जकल के लिए लोग एकदम तरस रहा है बैठा के हो रियो है कॉलेज में लड़का लड़की घूम रहा है सब चीज़ा जी। मैं सारी चीज़ एकदम नज़दीक हूँ देखना के बाद आपने अर्ज करूँ काई कि आपनो देश ही बेस्ट है, आपने बात देश हूँ जी बढ़िया कोई चीज़ बहुत को खूब नहीं और जबरदस्त है। इन्हें भूलो मत, इन्हें थे ग्रैब करो और इरा प्यार मोहब्बत धरती की मिठास ने आपका अंदर समेटो और बैठक को भी मजो लियो कि इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स फील करने की कोई जरूरत नहीं। जैसे आपने बताया कि आप अमेरिका गए, वहाँ जॉब की, बिजनेस भी आपने वहाँ पर कायम किया, ग्रीन कार्ड भी आपको मिला, तो ज़्यादातर हम जो देखते हैं यहाँ का जो जो ब्रेन है वो वहाँ चला जाता है और वही काम करता है, तो वापस भारत की तरफ अपनी जो मिट्टी से आपका जो जुड़ाव था वो आपको जो खींच के लाया, तो किस तरह का जो आपका वो सफ़र था ब्रेन वहाँ? ड्रेन वापस अठीने रिवर्स ब्रेन ड्रेन रिवर्स जी ब्रेन ड्रेन क्या होगी? वो ऐसे हो गया देखो कि
ये एक इंडिविजुअल केस है, उसको मैं क्रेडिट देता हूँ मेरे बचपन की अपब्रिंगिंग की। मुझे हमेशा है ना अपनी माँ परिवार ये सब मुझे ज़्यादा याद आते थे। वहाँ मैं रहता था तो एक बार क्या हुआ, मेरे लगातार 4 साल मैं यहाँ आ नहीं पाया। मेरी माँ को भी रहती थी टेंशन की इसकी शादी करनी है, और फ़ोन तब इतना एक्सपेंसिव होता था कि फ़ोन करना इवन अमेरिका में बहुत एक्सपेंसिव था। $4 एक मिनट का लगता था, आजकल तो 4 सेंट भी नहीं लगता होगा जी। तो भी मैं अपने कैसे ही करके फ़ोन करके, तब तक इंडिया में थोड़ा बहुत हो गया था इस तरह का टेलीकॉम रेवोल्यूशन, फ़ोन वगैरह हो जाता था। तो वीसा ही नहीं मिलती थी कि वापस जैसे अगर आ जाएं तो, क्योंकि ग्रीन कार्ड उसमें ऐसा होता था कि अमेरिका में कि अगर आप एक बार चले गए, अगर आप मल्टीपल एंट्री की वीसा नहीं है तो आप वापस नहीं आ सकते। ऐसे करके मेरा ऑलमोस्ट 3-4 साल का गैप हो गया था। तो उसने भी मेरी अर्ज को और ज़्यादा बढ़ा भारत के, अगर हो सकता है कि मैं आता जाता रहता बहुत ज़्यादा तो इतना शायद नहीं होता। उसने भी डेस्टिनी में एक रोल प्ले किया कि इतना बड़ा गैप हो गया तो मुझे भारत की चीज़ें ज़्यादा याद आती थी कि अपना पारिवारिक माहौल जी। एक आप उठ रहे हो तो लोग दिख रहे हैं आपको। वहाँ क्या है, अमेरिका में भौतिक सुख तो सारे हैं लेकिन वहाँ लोनलीनेस है, और ज़्यादातर जो मेरे साथी वहाँ रुक गए हैं वो भी ये चीज़ मेरे से शेयर करते हैं। लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि उनके बच्चे चूंकि उसी माहौल में बड़े हो चुके हैं तो वो बच्चे उनको नहीं आने देते जी। वो वहीं के बड़े हो गए हैं तो वो बेचारे फिर कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, कॉम्प्रोमाइज करके वहीं रह जाते हैं, वो उसी कल्चर में ढल चुके हैं। बच्चे वो लोग बेचारे बहुत लॉन्ग करते हैं, ज़्यादातर 70-80% NRIs जो हैं उनको अपनी धरती से, क्योंकि उनकी भी अपब्रिंगिंग अपने माँ बाप और वो भारतीय कल्चर में हुई हुई होती है, तो उनको भी वो हिंदी फिल्में गाने सब याद आते हैं उनको भी, क्रिकेट, यहाँ की जो एक गंदगी है ना उसमें भी एक अट्रैक्शन है जी। मतलब यहाँ की जो सुगंध है उसमें भी एक अट्रैक्शन, वो तब आपको फील होगा जब आप इस देश से बाहर जाएंगे, जब आप वहाँ देखेंगे। पहले तो बहुत मजा आएगा कि एकदम वहाँ की वो एकदम चकाचौंध चमकती हुई, कहीं पे एक धूल का कण भी नजर नहीं आएगा, रोड भी चमक रही है, घर भी चमक रहा है जी। हर चीज एयर कंडीशनड है, अंदर घुसो बाहर घुसो सब कुछ है। तब एक बहुत डिफरेंस था। अब तो इंडिया में भी रिच लोगों के पास ये सारी चीजें हैं, यहाँ घूम फिर के दो ही तरह की कारें हुआ करती थी जब मैं यहाँ से गया था, अब तो यहाँ भी हर चीज उपलब्ध है, रोड्स यहाँ भी अच्छी हो गई हैं। लेकिन वो जो एक वहाँ है ना, वहाँ एक कृत्रिमता बहुत ज़्यादा है और लोग अपने में सिमटे हुए हैं। और उसके बाद में मुझे ये फील होता था कि मैं घर में आके डब्बी में बंद हो गया, बस कितना टीवी देखूंगा। सही या अब जाएंगे जो आप भी कोई लिमिटेड पीरियड के लिए, हर आदमी अपने अपने काम के लिए, वहाँ अपॉइंटमेंट सिस्टम होता है, ऐसे नहीं है कि आप कहीं तो किसी के घर घुस जाओ। एक मतलब वो है कि आपने जो देश की बात है कि इनफॉर्मेलिटी बहुत अच्छी है अठे, तो अठे जिको जुड़ाव है वो मतलब थाने बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करियो कि सब लोग मिलजुल रहे हुए एक दूसरा को मुंडो देखे बिना कहवे को नहीं कि भाई साहब हेलो कहीं हाल चाल मिलर कहवे और भाई साहब थे दिखे को नहीं था सब बड़ी बात है। अठा था का माँ बाप को अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत को नहीं, भाई को अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत को नहीं, बट है तो 18 साल की उम्र हुआ है, एक सिस्टम है कि 18 साल की उम्र होगी और मतलब घर छोड़ कर जाओ। माँ बाप ने भी पहली मालूम है कि वो बच्चों है लड़को हुआ चाहे लड़की, 18 साल की उम्र हुई नहीं कि वो इंडिपेंडेंट हो जासी, बस थाको रोल थोड़ो बहुत रे वह एज ए फ्रेंड। और ई वास्ते बे लोग ये सब चीज डेवलप करी है, मदर्स डे, फादर्स डे, ब्रदर्स डे, ताकि कम कम एक दिन तो याद रखो माँ बाप ने। और आपा भी चीज नठ है लेकर आ रहे हैं कि भाई फादर्स डे में कार्ड दे रहे हैं आपा तो हर दिन फादर ने याद करने वाला लोग हैं, सामने रहे और राखनो चीज है। अच्छा मैं था ना एक बात मैं चाहूँ कि थे बताओ कि भाई बी टाइम थे देखियो बैठे को कल्चर की 18 साल हुआ टाबर अलग उगार माँ बाप पहले सिक्योर रहे अठे आपने असंस्कृति आती जा रही है वृद्धाश्रम खुल गया तो थाने क्या लगी आपको फील क्या आ बात मैंने बहुत खराब लगी जिया 94 में इंडिया वापस आयो, इंडिया चेंज कर रही हो लेकिन अभी भी वो ओल्ड इंडिया हो। धीरे धीरे मैं जब 20 साल में देखियो हूँ कि इंडिया जो है वेस्ट की गंदगी ने ज़्यादा अपना रही है कंपेयर टू बैठे की पॉजिटिव चीज़ें। ये चीज़ के बारे में जरूर मैं दर्शकों ने बताना चाहूँ कि थे था कि जगह पॉजिटिव चीज़ें हैं वेस्ट की, बाबी मैं बता दूँ क्या है वेस्ट की पॉजिटिव चीज़ें हैं, झूठ कम बोलना बट लोग झूठ कम बोल रहे अपने देश में, लोग झूठ बहुत बोलन लग गया। हाँ मैं एक डिफरेंस बताऊँ, सही बात, हर चीज़ को डिफेंस झूठ है तो झूठ है जगह था ना हमेशा कठिन न कठिन नेगेटिव ऊर्जा ने क्रिएट करे, एक झूठ के लिए 100 झूठ बोलना पड़े। साओ पहले मारो संदेश आया है कि थे सत्य का नजदीक पूगो, जितना ज्यादा थे सत्य का नजदीक पूगो और आपकी क्षमताओं ने आपकी हर आदमी
कोई हेवी वेट बॉक्सर बन सी कोई जरूरी को नहीं जी। थे फेदर वेट हो तो थे थांगा फेदर वेट का हिसाब हो थांगा गोल्स ने निश्चित करो। और आपकी भारतीय संस्कृति ने थे भूलर अगर चाहो थे देसी हो और विदेशी बनना की कोशिश कर सो तो ना तो थे विदेशी बनो देसी भी चले जा सो बिल्कुल सही। चौबे गए छब्बे बनने दुबे भी नहीं बनेंगे जी। तो आप वो चीज छोड़ दें और आप अपनी चीजों को ध्यान रख के वेस्ट की पॉजिटिव चीजों को लें। दूसरी पॉजिटिव चीज जो मुझे वेस्ट की लगी वो है उनका पंक्चुअलिटी। आप जनरली अगर किसी वेस्टर्नर को बोलेंगे कि मेरा कार्यक्रम 5 बजे है तो आप देखोगे 5 मिनट पहले वो पहुंचा हुआ है। इंडिया में तो लोग कहते हैं इंडियन टाइम, ब्याह को अगर 7 दियो है मतलब लोग पुग गई 8 बजे, मान मालूम है 7 बजे तो बैठे शायद होस्ट भी नजर को नहीं आवे। आ चीज वेस्ट में को नहीं, वेस्ट में आ है कि एकदम मतलब पंक्चुअलिटी है। तीसरो बैठा जो है हार्ड वर्क, जो भी बे वर्क हार्ड प्ले हार्ड कल्चर का है। आपने आलस बहुत है तो आपका नेगेटिव चीजें तो आपने छोड़ को नहीं रहा। बे तो बीसी की बीसी राख से आलस भी विश्व राख है हर चीज बारह का। और बैठे की जगह नेगेटिव चीजें हैं, माँ बाप ने छोड़ दियो, अपने आप में सीमित रहो, बे थोड़ा सेल्फ सेंटर्ड ज्यादा हुआ है, बे सब चीज ना आप अपना रहा है। प्लेजर ड्रिवन सोसाइटी है, अल्कोहल को कल्चर, ड्रग्स को कल्चर, ये सब चीज बैठे ज्यादा है। मतलब वो है कि थे जिसकी अच्छी चीजें बने अपनाई और थे फिर इंडिया आया भारत वापस तो एक जो कंप्यूटर की क्रांति है रोशी जी बहुत कम लोगों ने पतो उसी माने कि आज राजस्थान में अगर शिक्षा में कंप्यूटर को योगदान है तो बिना शुरू करबाड़ा सबसे पहले लियाबाड़ा सुराना जी माँ के सामने मौजूद है कियान कंप्यूटर ने थे ले रहा कहीं कहीं भी टाइम हुए जरा बताओ। देखो कंप्यूटर भविष्य की एक नेसेसिटी है, बीरो आभास मने पिलानी में ही हो गयो जना ही मैं जाके बैठ अमेरिका में कंप्यूटर से रिलेटेड पढ़ाई करी। बीरे बाद ओ हुयो कि जब अठे में आयो 94 में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट का हिसाब में अठ आयो बैठ जबकि कंपनी स्टार्ट करी बा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को काम करती तो मैं लोग सोचो कि भाई अठे आपने जगह राजस्थान में भी इंडस्ट्री को डेवलपमेंट हुआ तो थाना आश्चर्य उसी 94 में जब मैं अठा आयो तो अठे एक भी कंपनी पूरा राजस्थान को सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट जीरो हो नील नथिंग कोई को हालांकि बेंगलोर वगैरह अहेड थे इन राजस्थान जयपुर और राजस्थान से जीरो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट था। तो हम लोगों ने सबसे पहली सॉफ्टवेयर की फंक्शनल यूनिट जो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करती है वो हम लोगों ने शुरू की यहाँ जयपुर में। तो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट से काम शुरू हुआ तो जब मैंने पहली बार एक विज्ञापन दिया कितनी यहाँ तब कंप्यूटर से रिलेटेड बेरोजगारी थी उसका मैं उदाहरण आपको देता हूँ। जब मैंने एक पहला विज्ञापन दिया एकदम छोटा सा इतना सा कि हमें चाहिए कंप्यूटर से जिनका ये हो तो मैंने 20 लोगों के लिए विज्ञापन दिया मेरे पास कम से कम नहीं तो 2000 रेज्यूमीज आए। क्या बात। कोटा इंजीनियरिंग कॉलेज ज्यादा नहीं थी तब लेकिन सारे इवन IITN मतलब इंडिया का इंडस्ट्रियलाइजेशन उतना ज्यादा हुआ नहीं था। अब इतना बड़ा हो जाने के बाद भी उतना रिस्पॉन्स नहीं आता है जितना उस 94 के छोटे से विज्ञापन में आया। और फिर मैंने देखा कि यहाँ के बच्चे इतने तेज हैं उनको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो कंप्यूटर का तो उनको ज़्यादा नॉलेज था नहीं लेकिन उनको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर की थ्योरेटिकल नॉलेज तो उन लोगों को मैं उसमें से मैंने 100-150 लोग हायर किए और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क एक भारत की स्कीम थी बहुत अच्छी जिसमें सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट के लिए सिंगल विंडो सिस्टम था भारत सरकार की तरफ उससे ही अट्रैक्ट होकर के मैं आया। तो इसकी क्रेडिट मैं जरूर भारत सरकार को राजस्थान सरकार को देना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत अच्छा माहौल दिया जब मैं यहाँ आया तो मुझे मेरा तब तक मैं थोड़ा वेस्टर्नाइज था एक तरह से क्योंकि वहाँ 6-7 साल 9 साल रहने के बाद तो मुझे ये सब नहीं लगता था कि सरकारी तंत्र में किस तरह से क्या होता है। और टू क्रेडिट ऑफ यहाँ की ब्यूरोक्रेसी उन लोगों ने भी मुझे हाथों हाथ लिया कि देखो पहली बार एक कोई रियल बिट्स पिलानी से पढ़ा हुआ अमेरिका से पढ़ा हुआ एक आया है रियल NRI।